हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कोई भी ऐसे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो है ना एज 27-28 साल है या 29 साल है, तो क्या उन्हें इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन्हें स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वह अगर इस बारे में अभी 27-28 साल के बाद, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब में हो, तो हो सकता है कि 27-28 साल अभी उनका उम्र हुआ है, 30 साल होने जा रहा है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें खल रही हैं कि यार क्यों ना यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में फॉर्म निकला है तो इसमें भरा जाए, तो क्या वह एलिजिबल है या नहीं, इसके बारे में उनके मन में या कह सकते हैं उनकी क्वेरीज और क्वेश्चंस हमेशा जो है अराइव होते रहते हैं। तो ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स एक बार आप एज लिमिटेशन को देख लें कि एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज लिमिटेशन 21 ईयर्स है, ये ऑलरेडी सभी को मालूम है, ठीक है, कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो मिनिमम एज लिमिटेशन है वो 21 ईयर्स है, ठीक है। तो न्यूनतम उम्र सीमा सबके लिए समान है लेकिन जो अधिकतम उम्र सीमा है, जो मैक्सिमम एज लिमिटेशन है, वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी मिनिमम एज तो 21 है लेकिन मैक्सिमम एज वो 32 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी 32 ईयर्स के नहीं हुए हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इवन इफ यू आर इन अ जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप सामान्य जनरल कैटेगरी अनरिजर्व में है तो आप 32 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है मैक्सिमम एज लिमिटेशन में, तो 32-35। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है वह 35 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और बात कर लेते हैं हम SC ST वालों का। तो SC ST कम्युनिटी और इस क्लास से जो बिलोंग करते हैं तो इस कम्युनिटी को 5 साल का एक्सटेंशन में दिया जाता है एज लिमिटेशन में, तो 32 ईयर प्लस 5 ईयर 37 ईयर। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई टिल 37 ईयर्स, वो 37 साल तक इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो एक बार आप एज लिमिटेशन के क्राइटेरिया को समझ लें, इसको समझने के बाद आप इस चीज़ का जो है ना मूल्यांकन खुद कर लें कि आपकी जो है अभी उम्र कितनी हो रही है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एज लिमिटेशन को क्वांटिफाई करें, उसे कैलकुलेट करें एंड उस हिसाब से फिर आपको सबका मैंने मैक्सिमम एज लिमिटेशन बता ही दिया, ठीक है। एक और रह गया है जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, वो 42 ईयर्स तक मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, जो 40% से अबव जो है फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट आप एक बार देख लें कि आपकी उम्र सीमा क्या है और उस हिसाब से आप मैक्सिमम एज लिमिटेशन जो है खुद से कैलकुलेट करके आप इसका निर्धारण स्वयं जो है कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।